जब एक सामाजिक परिवेश में बैठे हुए चार पांच लोगों के बीच में हमें कोई व्यक्ति गाली देता है या हमारे खिलाफ अपशब्द बोलता है, तो हम उसकी गाली को बर्दाश्त नहीं करते हैं, हम उसकी टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं करते हैं, तुरंत वहां पे कुछ बोलते हैं। तो दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल के माध्यम से विकिपीडिया द्वारा आयुर्वेद को जो छद्म विज्ञान और नीम हकीम और अनसाइंटिफिक अवैज्ञानिक जैसे शब्द लिखे हैं, इस चीज को हम कैसे बर्दाश्त कर लें? ये भी तो एक गाली ही है आयुर्वेद को, हम सभी भारतीयों को। तो पूरी दुनिया में जितने भी भारतीय हैं, जितने भी चिकित्सा विज्ञान से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब कुछ न कुछ लिखें। हमें मॉडर्न साइंस के भी लोगों का साथ मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, होम्योपैथ से भी जुड़े हुए लोग हमें समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। ये पूरी दुनिया के सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति के अस्तित्व की लड़ाई है। और लगभग 34 से 35 समाचार समूहों ने अपने समाचार अंक में खबरें प्रकाशित करके हमारी इस मुहिम में समर्थन दिया है। कई बड़े संगठनों ने हमें समर्थन दिया है, अलग अलग राज्यों से भी हमें समर्थन मिला है, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र से। कई बड़े राजनीतिक संगठन भी हमें अपने लेटर हेड पे लिख कर दे चुके हैं, और कई बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए लोग भी इसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं। विकिपीडिया पर अगर कुछ भी लिखा होता है गलत, तो उसे बदला भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पर प्राइवेसी लगा के उस चीज को लॉक किया गया, तो एक साजिश के तहत किया गया है दुनिया की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति के खिलाफ। मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ कि आप सब इसके खिलाफ अपने मन के भावों का आलेख अपने अपने पटल पर लिखें, अपने अपने प्रोफाइल पर लिखें और हमारा समर्थन करें। मैं एक मुक्तक बोलना चाहूंगा आयुर्वेद के ऊपर। मैं एक कवि भी हूँ आयुर्वेद के छात्र के साथ साथ, तो मैं चार पंक्तियां बोलता हूँ कि जो जग को वेद पढ़वा दें उन्हें हम वैद्य कहते हैं, जो ब्रह्मा जी को मनवा दें उन्हें हम वैद्य कहते हैं, और जहाँ पर ज्ञान और विज्ञान भी पहुँचा नहीं अब तक, वहाँ जो मंत्र गुजवा दें उन्हें हम वैद्य कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएं।